के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, बाबा के लाला की जय। आज अत्यंत आनंद का महोत्सव इस ब्रज में हो रहा है। हम लोग इस समय शरणागति परिसर में श्रीनाथ जी के आंगन में नंद बाबा के इस नंद महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। पूज्य श्री रशिया बाबा के सेब ठाकुर का मंगल दर्शन और वृंदावन के व्यास परंपरा के कई व्यास भक्त समाज, वैष्णव समाज यहाँ अत्यंत आनंद उत्साह से उल्लसित होकर अपने आराध्य, अपने उपास्य कृष्णचंद्र प्रभु का यह महामहोत्सव यहाँ हम लोग आनंद ले रहे हैं। अरे नंदोत्सव में आनंद में क्या है, देखिए बधाइयाँ लुटाई जा रही हैं, बधाइयाँ गाई जा रही हैं, बधाइयाँ नाची जा रही हैं, बधाइयाँ बजाई जा रही हैं। चारों ओर सभी का हृदय उल्लसित है। बाबा ने सर्वस्व का न्योछावर किया हो, ऐसे ही ब्रजवासी अपने आनंद गंध के प्राकट्य में देखिए मेहंदी का श्रृंगार किया है, काजल का श्रृंगार किया है और सब श्रृंगारित होकर अपने प्रभु को रिझा रहे हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद उमंग भयो जय कन्हैया लाल की, ब्रज में उजियारो भयो जय कन्हैया लाल की। के यहाँ जब ब्रजवासियों को मालूम हुआ कि नंदी जी के यहाँ लाला हुआ है तो समस्त गोपीजन श्रृंगार करने लगी। 16 श्रृंगार किए हैं, लहंगा ओढ़नी पहनी है, बोरला से लेकर बिछिया तक दिव्य श्रृंगार करके मेहंदी मावर अलता काजल आदि सब लगा करके गोपीजनों ने दिव्यता से और फिर नंद भवन के लिए गीत गाती हुई अपने मस्तक पर माखन के, दही के, दूध के माट रख करके जा रही हैं कि आज परमानंद घन परमात्मा का दर्शन होगा, उनके महामहोत्सव को मनाने का हमको सौभाग्य मिलेगा। ग्वाल वाल खूब बढ़िया सुंदर अगरखी पहन करके, बगलबंदी धोती पहन करके, माथे पे पगड़ी बांध करके और काजल चंदन लगा लगा करके, माखन के, दूध के, दही के मटका रख रख करके नंदालय की ओर जा रहे हैं कि आज हम सबके हृदय के आनंद प्रकट हुए हैं, उस उत्सव में शामिल होने के लिए सब जा रहे हैं। और नंद भवन में जब सब आए हैं, बाबा को मैया यशोदा को बधाई दी है, पूरे नंद भवन में दद कांदे की कीच हो गई है, एक दूसरे पर माखन के गोले तक तक करके उछाल रहे हैं, फेंक रहे हैं, दही की छींटे लगाए जा रहे हैं, पेड़े लड्डू उड़ाए जा रहे हैं। आज सबको ऐसा लग रहा है कि अपना जीवन सर्वस्व परमात्मा के ऊपर वार दें। ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹਰਿਆਵੇ